हाय एवरीवन, आई एम आरफिन और न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज की वीडियो में हम लोग बेसिक्स से इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू देखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, और अगर आप लोग मुझसे वन टू वन कनेक्ट होना चाहो तो टॉपमेट पर भी कनेक्ट हो सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर का हमारा नेम है वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसमें जो भी हम लोग मेथड डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर में वो है हमारा, ये सारे हम लोग मेथड्स होंगे जो डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब तक हम लोगों ने जो भी मेथड्स को डिस्कस किए हैं, जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो हमारा सिंगल इक्वेशन था, वो चाहे लीनियर नॉन लीनियर जो भी हो। जैसे कि हम लोगों ने रेगुलर फॉल्सी, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन सॉल्व किया, तो वो उसमें हमारे पास सिंगल नॉन लीनियर इक्वेशन था जिसको हम लोगों ने यूज़ करके हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया। सिंगल इक्वेशन, हमारे पास लीनियर इक्वेशन होते हैं, हमारे पास नॉन लीनियर भी इक्वेशन होते हैं। तो जैसे ही हमारे पास सिंगल लीनियर इक्वेशन है, ये भी हमारे पास एक अलग सा लीनियर इक्वेशन है, ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन इस तरीके से हो गया, ये भी हमारे पास जो है नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो सिंगल सिंगल है अब तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, मतलब हमारे पास एक से ज्यादा इक्वेशन हो गए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड जनरली एज एन नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हम लोग कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये एक हमारा इक्वेशन है, सिंपल सा ये एक हमारा अल्जेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो भी सॉल्व करने वाले हैं ना, वो हमारा अल्जेब्रिक इक्वेशन होगा, ट्रांसेंडेंटल वगैरह यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स एन तक हमारे पास जो है वेरिएबल्स है। अब ये आपके पास, जैसे यहाँ पे मैंने जो लिया है वेरिएबल में एग्जांपल, एक्स वन एक्स टू, आपके पास एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो ये बस हमारा वेरिएबल, इसी का हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो और ये जो ए वन ए टू है, ये हमारा उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, और ये हमारे पास इक्वल टू बी वन हमारे पास जो है अपना राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हुआ, फिर ये हमारा दूसरा इक्वेशन। इसी तरीके से हमारे पास एन नंबर ऑफ इक्वेशन है, तो एन लीनियर इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, जहाँ पे ए में हमारे पास जो भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट होंगे उसको ले सकते हैं। तो जैसे ए वन वन, ए टू वन, ए एन वन, यहाँ से ए वन टू, ए टू टू, जो भी कोएफिशिएंट है वो हमारा ए में आ जाएगा। एक्स का मतलब हो जाएगा हमारे जो भी वेरिएबल्स हैं जिस इक्वेशन मिलके, तो हमारे पास x1 से लेकर के xn तक यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा हमारा x। और b हमारे जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है ना, इक्वल टू के बाद जो भी राइट हैंड साइड में होता है, वो हो जाएगा हमारा b की वैल्यू, ठीक है। अब ये चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे अपने आगे मेथड्स में, इसीलिए मैंने इसको लिखा है कि हमारे जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं उसको हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो हमारे पास क्या है, मेथड्स फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हम लोग नहीं सॉल्व करने वाले, अलजेब्रिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले। तो जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, मल्टीपल इक्वेशंस, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है। एक है हमारा एलिमिनेशन अप्रोच, जिसको डायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं, और दूसरा है हमारे पास आइटरेटिव अप्रोच। तो एलिमिनेशन अप्रोच जो हमारा क्या होता है, एलिमिनेशन अप्रोच हमारा सिंपल अप्रोच होता है, सब्सटीट्यूशन अप्रोच। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल वाले हम लोगों ने स्कूल में सॉल्व किया था, दो इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, इस तरीके से हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे टू एक्स ऐसा कर दिए कुछ। तो इस तरीके का इक्वेशन के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि x का वैल्यू को यहां से निकाला फर्स्ट इक्वेशन से, एक उस वाले वैल्यू को यहां पे y में सेकंड वाले इक्वेशन में पुट किया, फिर यहां से x का वैल्यू निकाला, जो भी y का वैल्यू आया फिर उसको इक्वेशन वन में पुट किया, वहां से निकाल लिया। तो इस तरह से सब्सटीट्यूट करते थे, एक का वैल्यू को निकालते थे, दूसरे में पुट करते थे, फिर वहां से निकालते थे, इस तरीके से हम लोग काम करते थे। हम लोग तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल को भी सॉल्व किए हैं स्कूल में, जिसमें हम लोगों ने बहुत लंबा प्रोसेस अपना किया था कि बहुत लंबे तरीके से, लेकिन सॉल्व हो जा रहा था। अगर आप चाहें तो चार इक्वेशन चार वेरिएबल को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या हमारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम लोग बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वगैरह, हमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज़ करना पड़ता है, और वो कंप्यूटेशन के लिए भी हमारा इजी नहीं है। मतलब अगर सेम चीज़ को कंप्यूटर पे इंप्लीमेंट करेंगे तो वो हमारा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल नहीं माना जाएगा। इसीलिए इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं जो हम लोग न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ते हैं। तो जो एलिमिनेशन अप्रोच है, इसमें थोड़ा सा हमारे पास जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें हमारे पास ट्रंकेशन एरर तो नहीं होता है, लेकिन इसमें राउंड ऑफ एरर होता है, क्योंकि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन होता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन का मतलब हुआ कि जैसे कि कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं जो कि पॉइंट में होते हैं, जैसे कि 0.2, तो इस तरीके का पॉइंट वाला ऑपरेशन हमारा होता है यहाँ इस वाले एलिमिनेशन अप्रोच में, जिसकी वजह से हमें राउंड ऑफ एरर देखने को मिलता है, बट हमारा आंसर आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा एलिमिनेशन मेथड हमारा ज़्यादा वैलिड नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड में जो हमारे पास मेथड्स है वो ये पाँच मेथड्स है, बेसिक गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन विद पाइवोटिंग, गॉस जॉर्डन मेथड, एलियो डिकम्पोजिशन, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो ये पाँच है, हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में इन पाँचों से हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।
उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपना आइटरेटिव अप्रोच पे। तो आइटरेटिव अप्रोच क्या होता है? आइटरेटिव अप्रोच हमारा हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारा डायरेक्ट उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूज़ करते हैं जिसपे हमारा डायरेक्ट अप्रोच जो है वो हमारा ठीक तरीके से काम नहीं करता। क्यों हमारा काम नहीं करता? देखो डायरेक्ट अप्रोच में यानी कि जो एलिमिनेशन अप्रोच हुआ उसमें तो हमारे पास राउंड ऑफ एरर तो दिख रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा है और उस पर कोएफिशिएंट 0-0 है ना, तो फिर हमारा क्या होता है ना, वो सिस्टम हमारा जो डायरेक्ट मेथड है वो हमारा उतना ज़्यादा ऑप्टिमल नहीं रहता, इसीलिए हम लोग आइटरेटिव अप्रोच यूज़ करते। तो यहाँ पे वही लिखा है कि डायरेक्ट अप्रोच पोजेस सम प्रॉब्लम व्हेन द सिस्टम ग्रोज लार्जर और व्हेन मोस्ट ऑफ द कोएफिशिएंट आर 0। They require prohibitively larger number of floating point operation and therefore not only becoming time consuming but also severely affect the accuracy of the solution due to round of error. अब round of error है तो solution का accuracy को भी थोड़ा बहुत ही effect करता है, लेकिन सब सारे system of equation पे नहीं, कुछ कुछ इक्वेशन पे, सिर्फ इल कंडीशन वाले इक्वेशन पे, उन इक्वेशन पे जिसका हमारा सिस्टम मतलब इक्वेशन ज़्यादा हो और मोस्ट ऑफ द कोएफिशिएंट 0 हो, उस पे हमारा इफेक्ट करता है डायरेक्ट अप्रोच यानी कि एलिमिनेशन अप्रोच। तो इल कंडीशन सिस्टम को जो हम लोग होता है मतलब उस तरीके का सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आइटरेटिव अप्रोच है। तो इल कंडीशन सिस्टम कैन बी सॉल्व बाई आइटरेटिव मेथड विदाउट फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ राउंड ऑफ एरर। और इसमें जो हमारे पास मेथड्स होंगे वो हमारा जैकोबी आइटरेशन मेथड, जिसको हम लोग गॉस जैकोबी मेथड ऐसा भी कुछ बोलते हैं, फिर गॉस सेडल आइटरेशन मेथड आ गया, यहाँ पे सक्सेसिव और रिलैक्स ओवर रिलैक्सेशन मेथड आ गया। तो ये तीन मेथड हो गया हमारे आइटरेटिव अप्रोच वाले, और इधर से पांच मेथड हो गया हमारे पास एलिमिनेशन वाले। तो ये सारे के सारे हमें जो है आगे वाले वीडियोस में हम लोग कवर करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया जाए और सिर्फ सॉल्व करने बोला जाए, आपको मेथड्स लगा के जाए मतलब ये इन सारे मेथड्स में भी इक्वेशन दे करके यहाँ पे बोला रहेगा कि इस वाले मेथड से ही सॉल्व करना है, तो आपको सारे के सारे मेथड्स को पढ़ने होंगे। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गाउस एलिमिनेशन मेथड। सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम और टॉपमेट पर अगर आप लोग चाहो तो वहाँ पर भी आप लोग आ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।